फिल्मी दुनिया में जितने भी स्टार हैं, कामयाब स्टार हैं, इनके संघर्ष की एक अलग ही कहानी है। कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। फिल्मों में काम करने के लिए एक कलाकार ने क्या क्या नहीं किया, कोई भूखा रहा, कोई पैदल सड़कों पे चला, मीलों चला, और कुछ लोग तो लड़की बनने को तैयार। सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बात है जितेंद्र साहब, बॉलीवुड सुपरस्टार जितेंद्र साहब। जितेंद्र साहब जिन दिनों फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन दिनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनकी बात समझना तो दूर, उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। जितेंद्र साहब संघर्ष करते करते परेशान आ गए। वो चाहते थे कि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनसे बात करे, मिले जुले, उनके टैलेंट को समझे, लेकिन ऐसा मौका उनको मिल नहीं रहा। जितेंद्र साहब के एक रिश्तेदार थे जो फिल्मों में ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम सप्लाई करते थे। जितेंद्र साहब अक्सर उनके साथ जाते थे और जानबूझकर जाते थे ताकि किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की निगाह उन पर पड़ जाए, उन्हें बात करने का मौका मिले, उन्हें अपना टैलेंट समझा सके। कई बार तो जितेंद्र साहब अकेले ही जाते थे कि चलिए लाइए मैं ये ज्वेलरी फलानी शूटिंग पर लेके जाता हूँ। इसी दौरान एक बार जब जितेंद्र साहब वी शांताराम की शूटिंग में पहुंचे ज्वेलरी लेकर हीरोइन की, तो उस दिन एक सीन पिक्चराइज हो रहा था हीरोइन पर, जहां पर हीरोइन ऊँट के ऊपर बैठी हुई, कड़कती धूप थी, ऊँट बहुत ऊंचा था, हीरोइन शायद ऊँट पर बैठने में कतरा रही थी या कुछ और प्रॉब्लम थी। तब वी शांताराम साहब ने सोचा कि क्यों ना ये काम, ये जो हीरोइन के काम है, ये हम लोग किसी डुप्लीकेट से ले लें। तभी उनकी निगाह पड़ी जितेंद्र पर। वी शांताराम साहब ने जितेंद्र से कहा कि आप लड़की के कपड़े पहन के, हीरोइन के कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के क्या ऊँट पे बैठ के एक शॉट दे सकते हैं? जितेंद्र तुरंत राज़ी हो गए, क्योंकि जितेंद्र तो चाहते थे कि किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की निगाह उन पर पड़े, उन्हें मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। और जितेंद्र लड़की के कपड़े पहन के, ज्वेलरी पहन के ऊँट पर बैठ के शॉट देने लगे। यहीं से उनकी वी शांताराम से नज़दीकियाँ बढ़ गई। विशांताराम जितेंद्र के काम से बहुत प्रभावित हुए और जितेंद्र को अपनी अगली फिल्म गीत गाया पत्थरों में बतौर हीरो इंट्रोड्यूस कर दिया। यहीं से जितेंद्र साहब का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। तो कई कलाकारों ने दोस्तों इस तरह का भी संघर्ष किया है। ऐसे और बहुत सारे किस्से कहानियां हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप उन कहानियों से, किस्सों से जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए Bye.